लव्य व्यवस्था अध्याय तेरह कोढ़ की विधि। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब किसी मनुष्य के शरीर के चर्म में सूजन व पपड़ी व फूल हो और इससे उसके चर्म में कोढ़ की व्याधि सा कुछ देख पड़े, तो उसे हारून याजक के पास या उसके पुत्र जो याजक है उनमें से किसी के पास ले जाए। जब याजक उसके चर्म की व्याधि को देखे और यदि उस व्याधि के स्थान के रोए उजले हो गए हो और व्याधि चर्म से गहरी देख पड़े, तो वह जान ले कि कोढ़ की व्याधि है, और याजक उस मनुष्य को देखकर उसको अशुद्ध ठहराए। और यदि वह फूल उसके चर्म में उजला तो हो परंतु चर्म में गहरा न देख पड़े और न वहां के रोए उजले हो गए हो, तो याजक उनको 7 दिन तक बंद कर रखे, और 7वें दिन याजक उसको देखे, और यदि वह व्याधि जैसी की तैसी बनी रहे और उसके चर्म में न फैली हो, तो याजक उसको और भी 7 दिन तक बंद कर रखे, और 7वें दिन याजक उसको फिर देखे, और यदि देख पड़े कि व्याधि की चमक कम है और व्याधि चर्म पर फैली न हो, तो याजक उसको शुद्ध ठहराए, क्योंकि उसके तो चर्म में पपड़ी पड़ी है, और वह अपने वस्त्र धोकर शुद्ध हो जाए। और यदि याजक की उस जांच के पश्चात जिसमें वह शुद्ध ठहराया गया था वह पपड़ी उसके चर्म पर बहुत फैल जाए, तो वह फिर याजक को दिखाया जाए, और यदि याजक को देख पड़े कि पपड़ी चर्म में फैल गई है, तो वह उसको अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह कोढ़ी है। यदि कोढ़ किसी व्याधि किसी मनुष्य के हो, तो वह याजक के पास पहुंचाया जाए और याजक उसको देखे, और यदि वह सूजन उसके चर्म में उजली हो और उसके कारण रोए भी उजले हो गए हो और उस सूजन में बिना चर्म का मांस हो, तो याजक जाने कि उसके चर्म में पुराना कोढ़ है, इसलिए वह उसको अशुद्ध ठहराए और बंद न रखे, क्योंकि वह तो अशुद्ध है। और यदि कोढ़ किसी के चर्म में फूटकर यहां तक फैल जाए कि जहां कहीं याजक देखे व्याधित के सिर से पैर के तलवे तक कोढ़ ने सारे चर्म को छा लिया हो, तो याजक ध्यान से देखे, और यदि कोढ़ ने उसके सारे शरीर को छा लिया हो, तो वह उस व्याधित को शुद्ध ठहराए, और उसका शरीर जो बिल्कुल उजला हो गया है वह शुद्ध ही ठहरे। पर जब उसने चर्महीन मांस देख पड़े, तब तो वह अशुद्ध ठहरे, और याजक चर्महीन मांस को देखकर उसको अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वैसा चर्महीन मांस अशुद्ध ही होता है, वह कोढ़ है। पर यदि वह चर्महीन मांस फिर उजला हो जाए, तो वह मनुष्य याजक के पास जाए और याजक उसको देखे, और यदि वह व्याधि फिर से उजली हो गई हो, तो याजक व्याधित को शुद्ध जाने, वह शुद्ध है। फिर यदि किसी के चर्म में फोड़ा होकर चंगा हो गया हो और फोड़े के स्थान में उजली सी सूजन व लाली लिए हुए उजला फूल हो, तो वह याजक को दिखाया जाए और याजक उस सूजन को देखे, और यदि वह चर्म में गहरा देख पड़े और उसके रोए भी उजले हो गए हो, तो याजक यह जानकर उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह कोढ़ की व्याधि है जो फोड़े में से फूटकर निकली है। और यदि याजक देखे कि उसमें उजले रोए नहीं है और वह चर्म से गहरी नहीं और उसकी चमक कम हुई है, तो याजक उस मनुष्य को 7 दिन तक बंद कर रखे, और यदि वह व्याधि उस समय तक चर्म में सचमुच फैल जाए, तो याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह कोढ़ की व्याधि है। परंतु यदि वह फूल न फैले और अपने स्थान ही पर बना रहे, तो वह फोड़े का दाग है, याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए। फिर
यदि किसी के चर्म में जलने का घाव हो और उस जलने के घाव में चर्महीन फूल लाली लिए हुए उजलावा उजला ही हो जाए तो याजक उसको देखे, और यदि उस फूल में के रोए उजले हो गए हो और वह चर्म से गहरा देख पड़े तो वह कोढ़ है और उस जलने के दाग में से फूट निकला है। याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए क्योंकि उसमें कोढ़ की व्याधि है, और यदि याजक देखे कि फूल में उजले रोए नहीं और न वह चर्म से कुछ गहरा है और उसकी चमक कम हुई है तो वह उसको 7 दिन तक बंद कर रखे और 7वें दिन याजक उसको देखे, और यदि वह चर्म में फैल गई हो तो वह उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए क्योंकि उसको कोढ़ की व्याधि है। परंतु यदि वह फूल चर्म में नहीं फैला और अपने स्थान ही पर जहां का तहां ही बना हो और उसकी चमक कम हुई हो तो वह जल जाने के कारण सूजा हुआ है, याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए क्योंकि वह दाग जल जाने के कारण से है। फिर यदि किसी मनुष्य व स्त्री के सिर पर व मनुष्य की दाढ़ी में व्याधि हो तो याजक व्याधि को देखे, और यदि वह चर्म से गहरी देख पड़े और उसमें भूरे भूरे पतले बाल हो तो याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, वह व्याधि से हुआ अर्थात सिर व दाढ़ी का कोढ़ है। और यदि याजक सेहुए की व्याधि को देखे कि वह चर्म से गहरी नहीं है और उसमें काले काले बाल नहीं है तो वह सेहुए के व्याधित को 7 दिन तक बंद कर रखे, और 7वें दिन याजक व्याधि को देखे, तब यदि वह सेहुआ फैला न हो और उसमें भूरे भूरे बाल न हो और सेहुआ चर्म से गहरा न देख पड़े तो यह मनुष्य मुंडा तो जाए, परंतु जहां सेहुआ हो वहां न मुंडा जाए, और याजक उस सेहुए वाले को 7 और भी दिन तक बंद कर रखे, और 7वें दिन याजक सेहुए को देखे, और यदि वह सेहुआ चर्म में फैला न हो और चर्म से गहरा न देख पड़े तो याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए और वह अपने वस्त्र धोके शुद्ध ठहरे, और यदि उसके शुद्ध ठहरने के पश्चात सेहुआ चर्म में कुछ भी फैले तो याजक उसको देखे, और यदि वह चर्म में फैला हो तो याजक यह भूरे बाल न ढूंढे क्योंकि वह मनुष्य अशुद्ध है। परंतु यदि उसकी दृष्टि में वह सेहुआ जैसा का तैसा बना हो और उसमें काले काले बाल जमे हो तो वह जाने कि सेहुआ चंगा हो गया है और वह मनुष्य शुद्ध है, याजक उसको शुद्ध ही ठहराए। फिर यदि किसी पुरुष व स्त्री के चर्म में उजले फूल हो तो याजक देखे, और यदि उसके चर्म में वे फूल कम उजले हो तो वह जाने कि उसको चर्म में निकली हुई चाई ही है, वह मनुष्य शुद्ध ठहरे। फिर जिसके सिर के बाल झड़ गए हो तो जानना कि वह चंदुला तो है परंतु शुद्ध है, और जिसके सिर के आगे के बाल झड़ गए हो तो वह माथे का चंदुला तो है परंतु शुद्ध है। परंतु यदि चंदुले सिर पर व चंदुले माथे पर लाली लिए हुए उजली व्याधि हो तो जानना कि वह उसके चंदुले सिर पर व चंदुले माथे पर निकला हुआ कोढ़ है, इसलिए याजक उसको देखे, और यदि व्याधि की सूजन उसके चंदुले सिर व चंदुले माथे पर ऐसी लाली लिए हुए उजली हो जैसा चर्म के कोढ़ में होता है तो वह मनुष्य कोढ़ी है और अशुद्ध है, और याजक उसको अवश्य अशुद्ध ठहराए क्योंकि वह व्याधि उसके सिर पर है, और जिसमें वह व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे और वह अपने ऊपर वाले होठ को ढापे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वह तो अशुद्ध रहेगा और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। फिर जिस वस्त्र में कोढ़ की व्याधि हो
चाहे वह वस्त्र ऊन का हो चाहे सनी का, वह व्याधि चाहे उस सनी व ऊन के वस्त्र के ताने में हो चाहे बाने में, वा वह व्याधि चमड़े में व चमड़े की बनी हुई किसी वस्तु में हो, यदि वह व्याधि किसी वस्त्र के चाहे ताने में चाहे बाने में व चमड़े में व चमड़े की किसी वस्तु में हरी हो व लाल सी हो, तो जानना है कि वह कोढ़ की व्याधि है और याजक को दिखाई जाए, और याजक व्याधि को देखे और व्याधि वाली वस्तु को 7 दिन के लिए बंद करे, और 7वें दिन वह उस व्याधि को देखे, और यदि वह वस्त्र के चाहे ताने में चाहे बाने में व चमड़े में व चमड़े की बनी हुई किसी वस्तु में फैल गई हो, तो जानना कि व्याधि गलित कोढ़ है। इसलिए वह वस्तु चाहे कैसी भी काम में क्यों न आती हो तो भी अशुद्ध ठहरेगी। वह उस वस्त्र को जिसके ताने व बाने में वह व्याधि हो, चाहे वह ऊन का हो चाहे सनी का व चमड़े की वस्तु हो, उसको जला दे। वह व्याधि गलित कोढ़ की है, वह वस्तु आग में जलाई जाए, और यदि याजक देखे कि वह व्याधि उस वस्त्र के ताने व बाने में व चमड़े की उस वस्तु में नहीं फैली, तो जिस वस्तु में व्याधि हो उसके धोने की आज्ञा दे, तब उसे और भी 7 दिन तक बंद कर रखे, और उसके धोने के बाद याजक उसको देखे, और यदि व्याधि का न तो रंग बदला हो और न व्याधि फैली हो, तो जानना कि वह अशुद्ध है, उसे आग में जलाना, क्योंकि चाहे वह व्याधि भीतर चाहे ऊपरी हो तो भी वह खा जाने वाली व्याधि है। और यदि याजक देखे कि उसके धोने के पश्चात व्याधि की चमक कम हो गई हो, तो वह उसको वस्त्र के चाहे ताने चाहे बाने में से व चमड़े में से फाड़ के निकाले, और यदि वह व्याधि तब भी उस वस्त्र के ताने व बाने में व चमड़ी की उस वस्तु में देख पड़े, तो जानना है कि वह फूट से निकली हुई व्याधि है, और जिसमें वह व्याधि हो उसे आग में जलाना, और यदि उस वस्त्र से जितने ताने व बाने से व्याधि हो व चमड़ी की जो वस्तु हो उसमें से जब धोई जाए और व्याधि जाती रहे, तो वह दूसरी बार धुलकर शुद्ध ठहरे। ऊन व सनी के वस्त्र के ताने व बाने में व चमड़े की किसी वस्तु में जो कोढ़ की व्याधि हो, उसके शुद्ध और अशुद्ध ठहरने की यही व्यवस्था है।